नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद मोहन में। मैं मोहन आप सभी का स्वागत करता हूं। और आप देख सकते हैं यहां क्या लिखा है, दैनिक भास्कर की ये न्यूज़ है, 2.5 लाख संविदा कर्मचारियों के लिए नए नियम। ठीक है, जो संविदा कर्मचारी हैं उनके लिए अब नए नियम जो है वो लागू होंगे। संविदा कर्मियों की एक और परीक्षा, ठीक है, वैसे तो परीक्षाएँ ख़त्म नहीं हो रही, अब एक और परीक्षा होगी। सीधी भर्ती में 50% पर ही नियुक्त, ठीक है, यदि आप 50% नहीं ला पाएंगे तो आप लोग नियुक्त जो है वो नहीं हो पाएंगे। तो देखिए क्या छपा है इस पेपर में और कैसा क्या है, सारी जानकारी जो है इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताता हूँ। चलिए पढ़ते हैं इसमें क्या लिखा है, कैसा क्या है। ठीक है, तो यहाँ आप देखेंगे क्या लिखा हुआ है कि मध्य प्रदेश में संविदा कर्मचारियों को नियमितीकरण के लिए अब एक और परीक्षा से गुजरना होगा। राज्य सरकार ने विभागों की ओर से की जाने वाली सीधी भर्ती में नियम बना दिए हैं। अब संविदा कर्मचारियों को सरकारी नौकरी में आने के लिए लिखित परीक्षा देनी होगी। क्या करना पड़ेगा आपको भी कि परीक्षा देनी होगी, इसमें भी आपको क्या 50% या 50% से अधिक अंक आने पर ही उन्हें नियुक्ति होगी। ठीक है, आप यदि 50% से अधिक मार्क्स लाएंगे तभी आप लोगों की जो है वो क्या होगी, नियुक्ति होगी। इससे कम अंक पर उनकी नियुक्ति नहीं होगी। ठीक है, यदि कम आएंगे तो आप लोगों की जो नियुक्ति है वो नहीं होगी। देखते हैं क्या लिखा हुआ है, सामान्य प्रशासन की ओर से तैयार किए गए नियमों के अनुसार सभी विभाग अपने यहाँ तृतीय श्रेणी की भर्तियों में इसका पालन करेंगे। इसकी शुरुआत मंगलवार से हो गई है। कब से हो गई है, मंगलवार से हो गई है। पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग ने भर्ती नियमों में संशोधन करते हुए नए नियम उप सचिव वंदना शर्मा ने जारी कर दिए। ठीक है, ये नियम जो है वो क्या हो गए हैं, जारी कर दिए गए हैं। चलिए और देखते हैं इसमें क्या लिखा है, कैसा क्या है। ठीक है, इधर भी कुछ लिखा हुआ है तो देखिए क्या पढ़ते हैं। ठीक है, वो सब कुछ जो आपको जानना ज़रूरी है। ठीक है, तो क्या लिखा है देखिए, वो सब कुछ जो आपको जानना ज़रूरी है तो जान लीजिए भैया। ठीक है, क्या ज़रूरी है, सीधी भर्ती में संविदा के लिए 20% पद आरक्षित होंगे। कितने होंगे, केवल 20% जो पद हैं वो आप लोगों के लिए आरक्षित होंगे, तो ये तो अच्छी बात है। यदि 50% अंक पर पूरे पद नहीं भरे तो वे सामान्य के हो जाएंगे। लो भाई ध्यान रखना, आपको 50% अंक लाना है, यदि आप जो है ये अंक नहीं ला पाएंगे तो वो जो आपके पद है वो जनरल में यानी कि सामान्य के हो जाएंगे, आपके नहीं रहेंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, आप सोचे कि दूसरी बार मौका नहीं मिलेगा, ये जो पद है वो किस में चले जाएंगे, जनरल यानी सामान्य वाले के हो जाएंगे। देखिए, सीधी भर्ती में संविदा कर्मचारियों के लिए 20% पद आरक्षित होंगे। यदि किसी विभाग में 100 पदों के लिए सीधी भर्ती होनी है तो उसमें 20 पद संविदा कर्मी के लिए आरक्षित होंगे, ये तो सभी समझते हैं। अभी 2.5 लाख संविदा कर्मचारियों की औसतन आयु 45 से 50 साल के बीच है। भर्ती के लिए सभी 38 विभागों में कर्मचारियों को 50% अंक लाने होंगे तभी नियुक्ति मिलेगी। ध्यान रखिएगा, 50% आपको अंक लाने पड़ेंगे तभी आपको नियुक्ति मिलेगी। वरिष्ठता का निर्धारण नहीं होगा, कोई बड़ा छोटा या फिर ऐसा कुछ भी नहीं होगा। एससी एसटी उम्मीदवार को 10% अंकों की छूट रहेगी। ठीक है, जो एससी और एसटी वाले भाई बहन हैं उनको 10% की छूट रहेगी, यानी 40% अंक लाने होंगे। यदि संविदा कर्मचारियों के पूरे पद 50% अंक लाने वालों से नहीं भरे जा सके तो बाकी बचे पद कम अंक वालों को नहीं मिलेंगे। ध्यान दीजिएगा, आप लोगों को नहीं मिलेंगे, यदि आपको कम अंक हैं तो फिर आपकी नौकरी नहीं लगेगी। उधर 20 पदों के लिए यदि 15 के ही अंक 50% से आए तो बचे हुए 5 पदों पर 49% अंक वालों की नियुक्ति होगी। ये ध्यान दीजिएगा, आपसे कम जिन्होंने लिए आए हैं उनका ही क्या हो जाएगा सिलेक्ट, आपसे जो कम लाए हैं उनका ही क्या हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा, ये पद सामान्य श्रेणी में वितरित कर लिए जाएंगे, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, पेपर तृतीय श्रेणी के पदों पर संविदा कर्मचारियों के नियमित के लिए 300 अंकों का पेपर लिया जाएगा, ये 3 घंटे का होगा। ध्यान दीजिएगा, तृतीय श्रेणी के पदों के लिए पर तृतीय श्रेणी का जो पद होता है, ठीक है, उस पर संविदा कर्मचारियों को नियमित के लिए 300 अंक का पेपर लिया जाएगा, ये 3 घंटे का होगा। 300 अंकों का होगा और कितने घंटे का होगा,
3 घंटे का जो है वो क्या होगा, पेपर होगा, इस बात का भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। और देखते हैं पेपर में क्या, ठीक है, पेपर में क्या आएगा बहू, देख ले। सामान्य ज्ञान हिंदी के 35, गणित के 40, कंप्यूटर व सूचना प्रौद्योगिकी के 35, सेवा नियमों के 40 अंक, विभागीय शब्दावली के 35 अंक, अधिनियमों के 50 अंक, संपदा प्रणाली के 30 अंक। तो ये सिलेबस जो है बहुत मायने रखता है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, यही आएंगे, ज़्यादा कुछ खास नहीं आएगा। और देखते हैं नीचे क्या लिखा है, संविदा वालों को ठग रहे, ठीक है, ये नीचे लिखा है संविदा वालों को ठग रहे, RSS के अनुसांगिक संगठन भारतीय मजदूर से संघ से संबंध, संविदा संयुक्त संघर्ष मंच के प्रदेश महामंत्री DK उपाध्याय का कहना है कि संविदा से अनुबंध समाप्त होना तक नहीं हुआ, ठीक है, क्या नहीं हुआ, अनुबंध समाप्त होना तक नहीं हुआ, सीधी भर्ती में भी संविदा वालों को ठगा जा रहा है, ठीक है। तो हो भी सकता है भाई, ठीक है, आप लोगों को क्या हो रहा, ठगा जा रहा है, तो आप देख सकते हैं न्यूज़ अच्छी थी, ठीक है। आप लोगों को अब यदि 50% से अधिक आप अंक लाएंगे, आप परीक्षा देंगे, तो ही आप जो है वो ज्वाइनिंग कर पाएंगे, अदरवाइज़ नहीं। चलिए, आज की वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइए कमेंट करके। आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।